नमस्ते, मैं हूं आचार्य सिद्धांत। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्निक की जो शक्ति और शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। ये वही चौथा टेक्निक है जो भगवान शिव ने अपनी अर्धांगी देवी को दिया। तो चलिए इस रोचक यात्रा पर चलते हैं। कहा जाता है कि ये टेक्निक अशुद्ध लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन सवाल ये उठता है, कौन है अशुद्ध? क्या आप अशुद्ध हैं? क्या मैं अशुद्ध हूँ? अशुद्ध वो नहीं जो सिर्फ पापी है, अशुद्ध वो है जो अपनी सच्चाई से भटक रहा है, जो अपने आप से भाग रहा है। उस मूवमेंट को सोचिए जैसे कि आपकी कार की टक्कर होने वाली है। उस क्षण में आपकी श्वास रुक जाती है, क्योंकि उस समय आपका छोटा मैं, आपकी ईगो गायब हो जाती है। ऐसे पल में आपका असली रूप सामने आता है। ज़ेन मॉन्क ने इसी टेक्निक को अपनाया है और अनन्य तरीकों से अनुभव किया। उनका मानना है कि अचानक होने वाली घटनाओं से मन रुकता है और श्वास भी, और जहां श्वास रुकता है वहां समाधि की प्राप्ति होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रुकावट है, ये पॉज। तो जब आप शुद्ध होना शुरू होते हैं तब आपके अंदर ये पॉज घटना शुरू हो जाती है और ये हमेशा उपस्थित रहता है। तो कैसे बने शुद्ध? सेवा, साधना और समाधि, ये है सफलता का रास्ता। इस छोटी सी रील से आपको विज्ञान भरत तंत्र की एक छोटी सी ग्लिम्स देने की कोशिश की जा रही है। भगवान शिव के इस ज्ञान को अपनाकर आप अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं और समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। प्रणाम।